आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक साईफाई नॉवल, मतलब एक साइंटिफिक फिक्शन। ये एक क्लासिकल नॉवल है और इसका नाम है द इनविजिबल मैन। इट इज रिटन बाय एच.जी. वेल्स। बट हमारी बुक में हम इस नॉवल का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है दैट टू बॉयज आर सरप्राइजिंगली वॉचिंग फुटप्रिंट्स ऑन स्ट्रीट। दे कांट सी एनी ह्यूमन बींग देयर, बट फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स आर अपीयरिंग फ्रॉम नोवेयर। मतलब पैर तो है बट इंसान नहीं है, बट ऐसे कैसे हो सकता है? तो यही है हमारा साइंटिस्ट ग्रिफिन। ग्रिफिन रिसेंटली हैड डिस्कवर्ड अ ड्रग जिससे वो किसी भी ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकता है। एंड नोबडी विल बी एबल टू सी यू इफ यू डोंट वेयर एनीथिंग ऑन योर बॉडी। मतलब अगर आप एक इनविजिबल मैन बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। Now, where is Griffin going in this story? So the scene is that Griffin's owner dislikes him and tries to eject him. अपने घर से बाहर निकालना चाहता है वो owner Griffin को. And in revenge, what does Griffin do? He sets fire to landlord's house and runs away. उसके घर में आग लगाकर भाग जाता है. And now Griffin के पास ना घर है ना कपड़े हैं. This was not a good time to take this action. बिकॉज विंटर का सीजन चल रहा है और ऐसे समय में लंदन की सड़कों पर बिना कपड़ों के घूमना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। He has become a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible. स्टोरी की शुरुआत में हमें इतना तो समझ आ गया है that Griffin is a lawless person because the discovery that he did, he is using it, actually misusing it for his benefits. एंड अभी तो सिर्फ शुरुआत है। स्टोरी में आगे हमें पता चलता है ग्रिफिन के इल्लीगल एक्ट्स के बारे में। तो अभी रोड पर चलते चलते ग्रिफिन लंदन के एक स्टोर में घुस जाता है। नाइट टाइम है, स्टोर भी क्लोज हो चुका है, तो ग्रिफिन स्टोर से अपने लिए क्लोथ ले लेता है, शूज, ओवरकोट, हैट, एंड नाउ ही अगेन बिकम्स अ फुली ड्रेस्ड विजिबल पर्सन। ही ईट्स मीट एंड कॉफी फ्रॉम द रेस्टोरेंट, ऑल दिस विदाउट इवन बीइंग वरीड अबाउट मनी, एंड नाइट में वहीं पर कंफर्टेबल होकर सो जाता है। अब मेन प्रॉब्लम आती है मॉर्निंग में, जब स्टोर मैनेजर स्टोर को ओपन करता है एंड ही सीज अ पर्सन स्लीपिंग ऑन अ पाइल ऑफ अ क्विल्ट। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू चेज हिम, उसके पीछे भागेंगे। वो लोग ग्रिफिन के पीछे पीछे भागते हैं, ग्रिफिन आगे आगे भागता है, एंड अब बचने के लिए ग्रिफिन हैज ओनली वन ऑप्शन। Again, Griffin takes off all his clothes and becomes invisible once again. And now we see the same homeless person without clothes, without money. Now next, Griffin enters into a theatrical company. उसे पता है कि वहाँ उसको clothes भी मिल जाएंगे और कुछ items भी मिल जाएंगे, so that he can hide his face, as in bandage, goggles, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. अब उसके पास money तो नहीं है ये सब खरीदने के लिए, बट ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, एक और इलीगल एक्ट करेगा। सो ही कैरलेसली अटैक्स द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड एंड ड्रॉप्स ऑल हिज मनी एंड अगेन रन्स अवे। स्टोरी में आगे आप ऐसे ही और भी इलीगल एक्ट देखने वाले हैं। अब ग्रिफिन को रियलाइज होता है दैट लंदन जैसी इतनी क्राउडी सिटी में उसका रहना पॉसिबल नहीं है। सो ही डिसाइड्स टू टेक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग एंड बुक्स टू रूम्स देयर। अब जो होटल था, एक तो ये बहुत ही आइसोलेटेड एरिया में था जहाँ इतना इजीली गेस्ट का आना पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, विंटर टाइम में एक स्ट्रेंज पर्सन का ऐसी जगह पर जाना वॉज एन अनयूजुअल इवेंट। ऊपर से ग्रिफिन को देखकर कोई भी उस पर डाउट कर सकता है। अपीरियंस वाइज वो ऐसा लगता था देखने में जैसे अभी अभी उसका कोई एक्सीडेंट हुआ हो। मिसेज हॉर्न, लैंडलॉर्ड की जो वाइफ होती है, वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से ग्रिफिन को होस्ट करती है, बट ग्रिफिन ऑफ कोर्स हैड सम अदर मोटिव्स। He does not want to talk, so he clearly says, Mrs. Hall, देखो आप मुझे disturb मत करो, because मेरा अभी एक accident हुआ है और इसीलिए मैंने bandage लगाया हुआ है, and I am here in this village because I don't want to be disturbed. Anyways, Mrs. Hall सोचती है that he is an eccentric scientist, and advanced payment तो मिली चुकी है, then why to worry? Now the money that Griffin stole was almost finished, and now he again has to pay the rent of the hotel room. So he robs a clergyman's desk. Of course, किसी को पता नहीं चलता कि चोरी किसने की, because Griffin has this weapon to be invisible every time. Next morning, landlord and his wife were up very early. To their surprise, वो देखते हैं कि scientist के room का door open है.
दोनों इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बेड पर क्लोथ्स हैं, बैंडेज रखी है जो वो हमेशा अपने फेस पर लगाता है, बट सडनली रूम के अंदर बहुत ही अनयूजुअल इवेंट्स होने लगते हैं। साइंटिस्ट का हैट एकदम से मिसेस हॉल के फेस पर हिट करता है। सडनली बेडरूम चेयर बिकम्स अलाइव, अपने आप ही रूम का फर्नीचर मूव करने लगता है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर उन दोनों को रूम से बाहर निकाल देती है एंड रूम का डोर उनके फेस पर ही जोर से बंद हो जाता है। नाउ मिसेस हॉल इज कन्विंस्ड दैट द रूम इज हॉन्टेड, रूम के अंदर कोई तो भूत है। जैसे ही बल्गरी की न्यूज पूरे टाउन में फैल जाती है, स्ट्रेंज साइंटिस्ट को सब लोग स्ट्रॉन्गली सस्पेक्ट करने लगते हैं। यही है जिसने चोरी की है। ग्रिफिन को पकड़ने के लिए विलेज कांस्टेबल भी बुलाया जाता है। इतने में मिसेस हॉल भी ग्रिफिन को काउंटर करने आती हैं, बिकॉज शी इज वेरी एंग्री। वो बोलती है, व्हाट हैव यू डन टू माय फर्नीचर एंड आई वांट टू नो हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू केम आउट फ्रॉम एन एम्प्टी रूम एंड नाउ हाउ यू एंटर्ड द लॉक्ड रूम। ग्रिफिन एक क्विक टेम्पर्ड पर्सन तो था ही, तो वो गुस्से से मिसेस हॉल को बोलता है, वेरी वेल, आई विल शो यू हाउ। एंड धीरे धीरे वो अपने क्लोथ्स रिमूव करने लगता है। फर्स्टली ही थ्रोज ऑफ हिज बैंडेज, देन विस्कर्स, देन स्पेक्टिकल्स, देन नोज, और एक मिनट के अंदर अंदर वो हेडलेस पर्सन बन जाता है। इतनी देर में मिस्टर जेफर विलेज कांस्टेबल आ जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं ये सोचकर कि एक हेडलेस पर्सन को मैं अरेस्ट कैसे करूं। नाउ द लास्ट इलीगल एक्ट ऑफ द स्टोरी, जब पुलिस मैन साइंटिस्ट को पकड़ने ही वाला होता है, ग्रिफिन अगेन अपने सारे कपड़े उतार देता है और फिर से इनविजिबल हो जाता है। एंड देन यू नो वॉट विल हैपन, हवा में ही कहीं ना कहीं से किक्स आने लगते हैं और जेफर को नॉकआउट कर देते हैं। अब ये जो फाइट है, ऑफ कोर्स वो कर तो ग्रिफिन ही रहा होता है, बट बिकॉज ही इज इनविजिबल किसी को दिखाई नहीं देता। अब सब लोग बचने लगते हैं क्योंकि पता नहीं अब किसका नंबर कब आ जाए, और यहीं पर ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। चैप्टर के एंड में जो इतने सारे इलीगल एक्ट्स ग्रिफिन ने किए, जब हम उनको सम अप करते हैं, देन वी रियलाइज दैट ग्रिफिन वाज ट्रूली अ लॉलेस पर्सन हु डज नॉट यूज हिज डिस्कवरी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी।